हेरिटेज ऑफ राजस्थान पार्ट टू में आज हम बात करेंगे मेवात रीजन पर। पार्ट फर्स्ट में हमने बात करी बागड़ रीजन की। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो हमारा राजस्थान टूरिज्म का जो स्लोगन है वो पहले था जाने क्या देख जाए, उसको दोबारा पधारो हमारे देश कर दिया गया है। हमारे नए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ने इसको वापस से जाने क्या देख जाए से पधारो हमारे देश कर दिया है। आइए बात करते हैं मेवात रीजन की। मेवात रीजन बेसिकली राजस्थान का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और यूपी तीनों स्टेट का बेसिकली इंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है, इसमें राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम इसमें अलवर, भरतपुर और दौसा डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट इसमें शामिल करते हैं। इनफैक्ट हरियाणा में तो मेवात जिला है, जिस जहाँ से राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर आप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें देखेंगे, जो कि अलवर रीजन की ओर जाती है, उन बसेस के पीछे लिखा रहता है मत्स्य डिपो, मत्स्य आगार। बेसिकली ये जो मेवात रीजन है ना, ये मत्स्य जनपद का हिस्सा था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। और यही इस रीजन में मेव लोग पाए जाते हैं। ये मेव वो लोग हैं जिनका सल्तनत पीरियड में रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था, इसी वजह से इसको मेवात कहते हैं, क्योंकि इसमें तो मेव लोग पाए जाते हैं और ये मत्स्य जनपद का हिस्सा था, इसलिए इसका नाम पड़ा मेवात। अब हम इसके हेरिटेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट की, तो इसमें हम बात कर रहे हैं फोक ड्रामा की, लोकल ड्रामा की। राजस्थान में बहुत से फोक ड्रामा प्रिविलेंट है, जैसे कि ख्याल हुआ, रम्मत हुआ, तमाशा हुआ, ऐसे बहुत से फोक ड्रामाज हैं। बेसिकली इन्हें फोक ड्रामा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको परफॉर्म करने के लिए आपको कोई रविंद्र मंच नहीं चाहिए, बस गांव का जो चबूतरा है, जो मंदिर का जो प्रेमाइसिस है, वही इनके लिए काफी होता है। इनमें ये लोग लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए। और ये आम जनता के एंटरटेनमेंट के लिए है, जिनके सब्जेक्ट सोशल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, मैथोलॉजिकल इनके सब्जेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं फोक ड्रामा में से एक फोक ड्रामा है ख्याल। बेसिकली जो ख्याल फोक ड्रामा है ना, इसमें इसका जो सब्जेक्ट है वो रिलीजियस, सोशल, मैथोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, इसमें गाकर इसको गा के परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली एक म्यूजिकल म्यूजिकल डोमिनेटेड फोक ड्रामा है। इसी ख्याल फोक ड्रामा का एक पार्ट है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल बेसिकली अलवर की फेमस है। ये अलवर में एक ठिकाना था मुंडावर, उस मुंडावर ठिकाने का राजा था राजा अली बख्श, उसके नाम पर ये इसका नाम रखा गया है अली बख्श ख्याल। तो अली बख्श ख्याल बेसिकली अलवर की फेमस है। दोस्तों मेरे इस लेक्चर में मैं अलवर, भरतपुर और दौसा इन तीन जिलों से रिलेटेड हेरिटेज और कल्चर की बात करूंगा। मेरा पर्पज सिर्फ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है और मैक्सिमम इसमें इंफॉर्मेशन डाल देनी है। इसको प्लीज जो टिपिकल बुक्स होती हैं उससे कंपेयर मत करना, ये एग्जाम ओरिएंटेड से बनाया गया लेक्चर है, और कहीं पे गलती हो जाए तो प्लीज मुझे भी करेक्ट कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं फाइन आर्ट की। जब हम फाइन आर्ट की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं पेंटिंग की। राजस्थान में या भारत में दो तरह की पेंटिंग होती है, एक तो मुरल पेंटिंग और एक मिनिएचर पेंटिंग। जो मुरल पेंटिंग होती है ना, ये तो की जाती है दीवारों पर, हवेलियों की दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों पर, गुफाओं में, केव्स में की जाती है, जैसे कि भारत की अजंता एंड एलोरा केव्स हैं। राजस्थान के अंदर जो शेखावटी रीजन है हमारा, उसकी हवेलियों में आप देखिए फ्रेस्को बुनो पेंटिंग है, ये मुरल पेंटिंग की एग्जाम्पल है। वहीं जो मिनिएचर पेंटिंग है, उसमें तो आती है आपकी फड़ पेंटिंग, और दूसरी वो पेंटिंग जो कागज पे की जाती है, जैसे मेवाड़, डोढ़ाड़, मारवाड़, किशनगढ़ की बड़ी ठंडी पेंटिंग, इस तरह की पेंटिंग। बेसिकली जो राजस्थान की जो पेंटिंग है, ये इसकी जो इसका ओरिजिन 15th सेंचुरी में होता है, और जो मेवाड़ स्कूल है पेंटिंग की, वो हमारी एंशियंट पेंटिंग है। राजस्थान की जो पेंटिंग है वो उसमें राजपूताना और पर्सियन मुगल शैली दोनों का मिक्सचर इसमें देखने को मिलता है। इनके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं अधिकतर रिलीजियस सब्जेक्ट्स हैं। इनकी जो पेंटिंग की जो थीम है वो कोर्ट पॉलिटिक्स हो सकती है, हंटिंग है, ठीक है, ये इनकी थीम होती है। इसके अलावा जो फीमेल और मेल जो ब्यूटी है, जिसे मेल को जिसे कहते हैं मस्कुलिनिटी, और फीमेल की जो फेमिनिटी, जिस फेमिनिटी जिसको कहते हैं, उसका बहुत ही अट्रैक्टिव चित्रांकन किया जाता है इनका। इनफैक्ट बहुत ब्राइट कलर्स का यूज किया जाता है। वो कुछ पेंटिंग्स में तो कदम के पेड़ यूज किए गए हैं, नीला आकाश दिखाया गया, तो कहीं पे बादल वाला आकाश दिखाया गया है, कहीं पे केले के पेड़ यूज किए गए हैं, तो कहीं पर पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है, और कहीं पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ह्यूमन साइज का पोर्ट्रेट बनाया गया है कई कई पेंटिंग्स में। तो इस तरह की बहुत डाइवर्सिटी हमारी पेंटिंग के पे हमारी राजस्थान की पेंटिंग में। और सबसे बड़ी बात, जो राजस्थान की पेंटिंग में जो उनके पेंटर्स के नाम नहीं लिखे जाते हैं,
ओके, तो ये कुछ जनरल फीचर्स हमारी पेंटिंग के। राजस्थान की पेंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढोढ़ाड़ है। तो इनमें इन्हीं में से ढोढ़ाड़ स्कूल की एक स्टाइल होती है अलवर शैली। ये जो अलवर शैली है बेसिकली मेवाड़ रीजन में फेमस है। ओके, तो जो अलवर शैली के बेसिक फीचर्स क्या है, तो अलवर शैली का जो मेन नरिशमेंट था वो महाराजा विनय सिंह ने दिया था। ओके, इसमें बेसिकली ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ये तीन कलर का यूज किया जाता है। मेन सब्जेक्ट है इसका योगासन, और इसमें मेनली प्रोस्टिट्यूट्स की पेंट का चित्रांकन किया गया है, और हाथी दांत का चित्रांकन भी किया गया है। ये ईरानी और मुगल तीनों तीनों का इसमें इन्फ्लुएंस है। ईरानी, मुगल और राजपूताना स्टाइल, तीनों का इन्फ्लुएंस इसमें दिखता है अलवर शैली में। देखिए, RAS में क्वेश्चन पूछा गया था ना कि निम्न में से किस पेंटर का संबंध अलवर शैली से नहीं है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट करें जब आपको कल्चर की बहुत डीप नॉलेज है। ठीक है, अगर डीप नॉलेज नहीं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सुनो, देखो, ठीक है, बनाने वाले को कोसो और आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, कभी मत फंसो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन से बाहर करने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, और कल्चर में वही करें जिसको बहुत डीप नॉलेज है, अदरवाइज एक अच्छी नॉलेज भी एग्जाम पास करवा सकती है। ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा बाल की खाल निकालने वाली बात नहीं होती है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट की। और दूसरी बात, जैसे मेंस में जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें आप सब्जेक्टिव है, आपसे स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, जनरल कंसेप्चुअल आंसर पूछेगा। अगर आपको किसी पेंटर का नाम नहीं पता तो स्किप कर दीजिए, क्यों लिखते हो, नहीं पता तो नहीं पता ना, कोई अपराध हो ना कर दिया, नहीं, इतना बड़ा कल्चर है, नहीं याद होता, नहीं याद होता, इसमें क्या है। जो हाँ, जो टिपिकल राजस्थान के जो लोग हैं, जो राजस्थान की प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, उनको तो फिर भी रहता है, लेकिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, शायद वो इतना अच्छा नहीं, डीप नॉलेज नहीं रखते हैं चीज़ों में, तो इसकी इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट की। तो हैंडीक्राफ्ट जो फेमस है हमारे यहाँ, एक तो मेवात रीजन में, एक तो कागज पोटरी अलवर की बड़ी फेमस है। देखिए, जयपुर में एक ब्लू पोटरी फेमस है, पर्सियन आर्ट है बेसिकली, वहीं कोटा की ब्लैक पोटरी फेमस है। तो ब्लैक मतलब काला, कैसे काला, कैसे कोटा, तो याद रखना कागज पोटरी अलवर की फेमस है, ब्लैक पोटरी कोटा की फेमस है, और ब्लू पोटरी जयपुर की फेमस है। ओके, वहीं अलवर में संगमरमर और पीतल की मूर्तियां भी बड़ी फेमस है, बनती हैं, साथ में जयपुर में भी बनती है। यहाँ मैंने अलवर जयपुर दोनों लिखा है। ठीक है, संगमरमर प्लस पीतल की मूर्तियां। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोक म्यूजिक की। तो मेवात रीजन में जो मेन फोक सॉन्ग गाया जाता है वो है हिचकी, वो ना, मारा पिया जी बुलाए माने आई हिचकी, है ना। ओके, जो मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेवात रीजन में बजाया जाता है वो है भपंग। भपंग बेसिकली तत्वाद्य है, तार का इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है ना, वो अपने आम पिट में भपंग को रख के इसको तार को ऐसे बजाता है, टंग टंग तार को बजाता है। ओके, इसका जो मेन प्लेयर है ना, वो था जहूर खां मेवाती, जो अब एक्सपायर हो चुके हैं, दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा अलवर के जोगी भी भपंग को बजाते हैं, जोगी इस तरह के साधु संन्यासी होते हैं ना ये, तो अलवर के जोगी भी इसको बजाते हैं। मेन प्लेयर है इसका जहूर खां मेवाती, याद कैसे रखेंगे, जहीर खान, भारत का एक्स लेफ्ट आर्म फास्ट बोला था ना जहीर खान, तो जहीर खान को नाम याद रखना, जहीर खान से नाम याद आ जाएगा, जहूर खां मेवाती। ओके, वही हम बात करते हैं फोक डांस की। तो बेसिकली जो मेवात रीजन है, जो अलवर भरतपुर है, उसमें बम नृत्य बड़ा फेमस है, वहाँ का लोग, ये वहाँ का फोक डांस है जो होली पे किया जाता है, मेनली पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं इसको। इसको याद करना तरीका क्या है, एल्बम बोलते हैं ना, फोटोग्राफ्स का एल्बम होता है ना, तो एल मतलब अलवर या बी मतलब भरतपुर, और बम मतलब बम नृत्य। वहीं जो मेवात रीजन के मेव हैं वो रणबाज और रतवई जैसे फोक डांस करते हैं। इसको याद करना तरीका क्या है, मरण, मरण की रात, तो मै से मेव, रण से रणबाज, रात से रतवई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स की। देखिए, राजस्थान के अंदर जो फेस्टिवल्स है ना, वही है जो पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रेविलेंट है। तो मेनली राजस्थान के जो यूएसपी है ना, वो फेयर है, फेस्टिवल तो है ही, फेयर ज्यादा है, तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल तो वही है जो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको फेस्टिवल्स की ब्रीफिंग दे दूंगा लास्ट में। ओके, तो फेयर की अगर हम बात करें मेवात रीजन में, तो भोजन थाली मेला जो कामा भरतपुर में भरता है, एक है भरथरी प्लस पांडुपोल मेला जो कि अलवर में भरता है। भरथरी उज्जैन के राजा थे, जो कि शैव सगुन भक्ति में नाथ संप्रदाय को मानते थे ना, तो उसके ये जो मेले हैं दोनों, ये भादो के शुक्ल पक्ष में भरते हैं। ओके, वहीं दोसा, दोसा में आप देखेंगे मेहंदीपुर के बालाजी का मेला पड़ता है हनुमान जयंती पर, चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती आती है। ओके, वहीं सरिस्का में वैशाख शुक्ल पक्ष में सरिस्का में नारायणी माता का मेला पड़ता है। ओके, वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष में बंची पहाड़पुर भरतपुर में गरुड़ मेला भरता है। ओके, इसके अलावा राजस्थान में कुछ पशु मेला भी भरते हैं जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भरतपुर में जसवंत और बजरंगी दो पशु मेले स्पेशली हेल्ड किए जाते हैं। यहाँ मैंने अलग से लिस्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हालांकि डायरेक्टली इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम किसी भी एग्जाम में ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट रह सकती है कि
जसवंत और बजरंग पशु मेले भरतपुर में हेल्ड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं लोक देवी और देवता की। तो मेवात रीजन में कोई स्पेशल लोक देवता तो नहीं है, लेकिन हाँ एक नारायणी माता है। नारायणी माता बेसिकली जो हमारा नाई समाज है, सैन समाज है, उनकी कुल देवी है, जिसका मेला सरिस्का में भरता है वैशाख शुक्ल पक्ष को। ओके, अब बात करते हैं संतों की, सेंट की। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे राजस्थान में या पूरे भारत में दो तरह के भक्ति वाले संत हुए हैं, एक सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति के जो संत होते हैं, ये भगवान विष्णु और जो शिव हैं उन्हीं के अवतारों की पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में मानते हैं। इसमें बेसिकली आडंबर होते हैं कई सारे, तो आम व्यक्ति से जुड़ता नहीं है। वही जो निर्गुण व्यक्ति है, ये भगवान के निराकार विदाउट किसी भगवान की मॉर्फोलॉजी को माने हुए इसकी पूजा करती है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जातिवाद, छुआछूत जैसा कोई आडंबर नहीं होता है, आम व्यक्ति जुड़ जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं ये, ठीक है, इसलिए ये बहुत फेमस है। वही हमारे जो लोग देवी देवता भी हैं, ये भी बड़े फेमस क्यों होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, क्या करते हैं कि अपना करेजियस एफर्ट शो करते हैं, अपना मिरिकल दिखाते हैं। कोई किसी मुस्लिम इन्वेडर से लड़ रहा है, तो कोई चिकन पॉक्स से लड़ रहा है, कोई गाय बचा रहा है ना, इस तरह की ये हीरोइक एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से जनमानस में ये हीरो बन जाते हैं और लोग देवता देवी के कैटेगरी में आ जाते हैं। ये मिरिकल्स दिखाते हैं, होते तो आम व्यक्ति हैं, मगर अपने जीवन के अंदर किसी तरह के मिरिकल या करेजियस एफर्ट दिखाने की वजह से जनमानस में श्रद्धा का केंद्र बन जाते हैं। ओके, वहीं हम बात करें तो सगुण अगर भक्ति की बात करें मेवात रीजन में, तो नाथ संप्रदाय, देखिए नाथ संप्रदाय बेसिकली जोधपुर रीजन के आसपास बड़ा फेमस है, लेकिन जो राजा भर्तृहरि थे वो शैव मत के नाथ संप्रदाय को बड़ा मानते थे, तो राजा भर्तृहरि उज्जैन से आए थे। ओके, वहीं जो निर्गुण भक्ति की अगर हम बात करें, तो उसमें एक तो लाल दासी संप्रदाय और चरण दासी पंथ, ये दो बड़े फेमस हैं। लाल दासी संप्रदाय इस संत लाल दास जी द्वारा चलाया गया था, मेन इसके पायोनियर थे, ये खुद मेव जाति से बिलोंग करते हैं और जो मेवात रीजन के जो मेव हैं वो उसको बड़ा उसको बहुत फॉलो करते हैं। ओके, वहीं जो चरण दासी पंथ है, चरण दास जी द्वारा इनिशिएट किया गया था, इसका इन्फ्लुएंस मेवात और दिल्ली दोनों रीजन तक इसका इन्फ्लुएंस है। बेसिकली इसमें सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति की जाती है, इसमें कृष्ण भक्ति की निर्गुण रूप में पूजा की जाती है, तो इसी तरह इसलिए जो चरण दासी पंथ है, इसको सगुण और निर्गुण का मिक्सचर कहा जाता है। वही अगर हम डायलेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे मेवाती भाषा बोली जाती है। जैसे मेरा जो ननिहाल है वो खुद अलवर है, तो अक्सर जब मेरे मामा जी वगैरह से मिलता हूँ, तो वो कुछ कुछ पूछता हूँ ना मैं उनसे, तो ऐसे जवाब देते हैं, मोकू ना बताओ तोकू पतो है तो तू बता दे, तो मुझको मतलब मोकू, तोकू मतलब तुझे, तो मोकू तोकू ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, तो वो अक्सर उनकी भाषा में आ जाता है ये। ओके, अब हम यहाँ पे ब्रीफिंग हम कर लेते हैं फेस्टिवल्स की, राजस्थान के कुछ फेस्टिवल्स की, जो बेसिकली नॉर्थ पूरे नॉर्थ इंडिया में भी फेमस है। देखिए जो हमारे हिंदी महीने होते हैं, जैसे कि चैत्र, माघ, शुक्ल, माघ वगैरह, इनके दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। अब देखिए पंडितों का घर से हूँ, तो थोड़ा बहुत जानता ही हूँ ना मैं, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं इसको। कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है कृष्ण प्रतिपदा से। ओके, और हिंदी महीने, सॉरी जो हिंदी महीना होता है, इसकी शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, अंत होता है पूर्णिमा से। बेसिकली किसी भी महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है, उसकी शुरुआत में चांद बिल्कुल सफेद होता है, अमावस्या तक आते आते चांद बिल्कुल काला हो जाता है, और वही शुक्ल पक्ष को शुक्ल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सफेद है, व्हाइट है, तो जो अमावस्या का काला चांद है ना, पूर्णिमा तक बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल गोरा हो जाता है। ओके, तो महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से, अंत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होता है। ओके, देखिए जनवरी को बोलते हैं पोष, हमारे जयपुर में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होगा जिसको पोष बड़े पसंद नहीं होंगे, है ना, तो जो पोष का महीना का जो शुक्ल पक्ष है, उसमें एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है। ओके, फरवरी के महीने को बोलते हैं माघ, माघ की जो कृष्ण पक्ष है उसको एक फेमस फेस्टिवल होता है संकट चौथ। संकट चौथ बेसिकली राजस्थान में सवाई माधोपुर में चौथ माता का बरवाड़ा है, वहां की बड़ी फेमस है। ओके, नेक्स्ट है फागुन, मार्च, मार्च को कहते हैं फागुन, होली का वक्त आ गया, फाग उड़ता है इस पे, वो गाना है ना, होलिया में उड़े रे गुलाल कह दी जो कन्हैया ने, तो जो फागुन की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को बनती है होलिका दहन, अभी होलिका दहन आएगी ना फागुन पूर्णिमा को, तो फागुन पूर्णिमा को हम मनाते हैं होलिका दहन का त्यौहार। ओके, अप्रैल को कहते हैं चैत्र, तो चैत्र के जो कृष्ण पक्ष के जो उसकी जो प्रतिपदा है, शुरुआत होती है धुरंडी आ जाती है। ओके, और आठ अष्टमी को आती है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी जिसको बांसवाड़ा भी कहते हैं, हमारे चाकसू की जो बांसवाड़ा बड़ी फेमस है। ओके, नेक्स्ट है जो चैत्र का शुक्ल पक्ष, चैत्र के शुक्ल पक्ष को गणगौर आती है, शुक्ल पक्ष में राजस्थान में कहते हैं तीज आई त्यौहार लाई ले डूबी गणगौर, तो गणगौर से त्योहारों का समापन हो जाता है। इसके अलावा जो चैत्र का शुक्ल पक्ष है, इसमें बासंती नवरात्र भी आते हैं, बासंती नवरात्र जिसमें रामनवमी वगैरह आती है, क्योंकि ये वसंत ऋतु के आसपास आ रहे हैं, इसलिए इसको बासंती नवरात्र भी कहते हैं। ओके, मई के महीने को कहते हैं वैशाख, वैशाख के महीने का जो शुक्ल पक्ष है, उसकी तृतीया को हम मनाते हैं आखा तीज, इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। आखा तीज पे हम सब जानते हैं बहुत बाल विवाह होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंजिंग है ये,
बाढ़ विवाह को रोकना। बेसिकली इसके पीछे माइथोलॉजिकल रीजन ये लोग ये देते हैं कि अक्षय तृतीया से है ना त्रेता युग शुरू होता है, भगवान राम वाला युग शुरू होता है, तो इसलिए आप जप तप और दान करो। तो दान करने के लिए क्या क्या उनको क्या नजर आता है, कन्यादान। अब तो दोस्तों वो समय आने वाला है जब कन्या दान करना नसीब नहीं होगा, क्योंकि कन्या खुद ही अपना वर ढूंढ लाएगी। ठीक है, अब दान करना है तो रक्तदान कीजिए, अंगदान कीजिए, शवदान कीजिए, बाल विवाह मत कीजिए, और लड़की को पढ़ने का मौका दें, उसे अपना जीवन साथी खुद चुनने का मौका दें, और पढ़ाई लिखाएं। ये चीजें गलत है ना। आखिर इसके अलावा किसान जो होते हैं वो अच्छी बारिश के लिए अपने हल की और अन्न की पूजा भी करते हैं इस दिन। ओके, नेक्स्ट है जून के महीने को कहते हैं जेठ, जुलाई को कहते हैं आषाढ़, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष को आती है देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी मतलब भगवान अब सो गए। ओके, इसकी जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसे हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ओके, अगस्त का महीने को कहते हैं श्रावण, श्रावण का जो कृष्ण पक्ष है उसकी पंचमी को आती है नाग पंचमी, नवमी को आती है निद्रा नवमी, वो सांप के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है निद्रा नवमी को। और वहीं जो श्रावण का शुक्ल पक्ष है उसकी तृतीया को आती है तीज, छोटी तीज कहते हैं इसको, श्रावणी तीज कहते हैं, जो जयपुर की बहुत फेमस है तीज। ओके, और जो रक्षाबंधन है वो पूर्णिमा को आता है, इस पूर्णिमा को हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, जो श्रावण पूर्णिमा है उसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई को नारियल गिफ्ट करती हैं। ओके, फिर जो सितंबर को कहते हैं भादो, अक्टूबर को कहते हैं आश्विन, नवंबर को कहते हैं कार्तिक, और दिसंबर को कहते हैं माघशीर्ष। वो गाना है ना कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, तो भादो सितंबर का महीना भादो कहते हैं, भाद्रपद कहते हैं। तो भादो के जो कृष्ण पक्ष है भादो का, उसमें आती है बड़ी तीज, बड़ी तीज बेसिकली इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कातली तीज भी कहते हैं, और सातड़ी तीज भी कहते हैं, वैसे बड़ी वैसे बूंदी, तो बूंदी की बड़ी तीज बड़ी फेमस है। ठीक है, वहीं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी हम सब जानते हैं नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है, और जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी बेसिकली हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील की में मेला भरता है गोगा नवमी का, गोगा जी महाराज का। ओके, इसके अलावा फिर जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष है उसमें गणेश चतुर्थी आ जाती है, ऋषि पंचमी आती है। ओके, ऋषि पंचमी आती है, और फिर उसके बाद जब भादो का पूर्णिमा आ जाती है, और फिर जो आश्विन का जो कृष्ण पक्ष होता है, यानी कि आश्विन के कृष्ण पक्ष से लेके अमावस्या तक श्राद्ध शुरू होते हैं, श्राद्ध पक्ष होता है, कोई मांगलिक काम नहीं होता है। और फिर जो आश्विन का जो शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है तो शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं, है ना। उस दिन हम जो है दुर्गाष्टमी बनती है, विजयादशमी बनती है। हमारे भारत में तो मैसूर की दशहरा बड़ा फेमस है, राजस्थान का कोटा का दशहरा बड़ा फेमस है, दशहरे पे खेजड़ी पेड़ की पूजा की जाती है, और कहते हैं कि जो लेलटास पक्षी है उसका दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है राजस्थान में दशहरे पर। ओके, और वहीं फिर जब आश्विन का सॉरी फिर जब कार्तिक का कृष्ण पक्ष शुरू होता है तो उसमें करवा चौथ आती है, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, ये सब आ जाती है। और जब कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष होता है फर्स्ट डे, तो हम क्या बनाते हैं, गोवर्धन पूजते हैं ना, नाथ द्वारा राजसमंद का गोवर्धन बड़ा फेमस है, सेकेंड डे पे भैया दूज हम बनाते हैं। ओके, ये सब इसमें बनता है। और फिर जो कार्तिक का जो शुक्ल पक्ष है 11 एकादशी आती है, उसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, वो शादी ब्याहों के सावे शुरू हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो माघ शीर्ष में कुछ खास त्यौहार आता है नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, ये रहे राजस्थान के फेस्टिवल्स हिंदी महीने के हिसाब से। आई डोंट थिंक सो एग्जाम में फेस्टिवल्स इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे, फेयर बड़े इंपॉर्टेंट है, फेयर हमारे यूएसपी है, क्योंकि फेस्टिवल्स हमारे वही हैं जो लगभग नॉर्थ इंडिया में चलते हैं। एक चीज और इसमें बहुत देखी जाती है, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी है ना, आए दिन महीने में ना 10-12 तो व्रत करती है, कभी प्रतिपदा का, कभी 11 का, कभी पूर्णिमा का, कभी अमावस्या का, इतने फास्ट करती है। एक तो डायबिटिक है, ठीक है, मैं कहता हूँ मम्मी इतने फास्ट मत किया कर, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं एक तो डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, वो दवा ऑलरेडी उनके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर कर रही है, और आप व्रत कर रहे हो, इतना फास्टिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको डिजीनेस आएगी, चक्कर आएंगे, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट जो हाइपोग्लाइसिमिक कंडीशन में चला जा सकता है, उसके ब्रेन के लिए अच्छी बात नहीं है। और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं, सोते जिंदा है लेकिन उठते हैं मुर्दा,